आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के थाना अंतर्गत अखंड नगर के ग्राम पंचायत मरु किशुनदासपुर, जो कि आज रात बीती रात को जो लगभग 11 बजे दो किसान खेत की सिंचाई कर रहे थे धान लगाने के लिए, और अज्ञात बदमाशों ने आकर के एकाएक ताबड़तोड़ गोलियां मार करके उन दोनों किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं उस पीड़ित परिवार के घर पर आया हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार के लोगों को का क्या हाल है। जैसा कि अभी हमारी बात होगी कि अभी आगे हम दिखाएंगे आपको, आप तब तक के लिए न्यूज पर बने रहिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मृतक की पत्नी है, जिनका बड़ा बुरा हाल हो गया है कि उनके पति की अचानक अज्ञात लोगों ने जो है खेत में धान लगाने के लिए खेत की सिंचाई कर रहे थे, अज्ञात बदमाशों ने आकर के दो लोग थे पास में ही सिंचाई कर रहे थे, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने। चाचा आपका क्या नाम है? राजित राम। कैसे, क्या मामला हुआ? मामला ये है कि जराई लगाओ खेत भरे गए रहन, और एक जने पहले भरत रहन, एक जने बाद में गए है। अब वही मार रहे न। कौन कौन पहले से कौन वहाँ पर था? पहले से धर्मराज रहे। धर्मराज, हाँ। अच्छा, ये बताइए जो आपके परिवार के जिनको गोली लगी है, हाँ, उनका क्या नाम है? उनका नाम विजय। विजय के कितने बच्चे हैं? उनके परिवार कितने लोग हैं? दो बच्चे हैं। अच्छा, यही बच्चे हैं का जो सामने खड़े? हाँ, यही। क्या नाम है बच्चों का? अच्छा अच्छा, ये बताइए दादाजी, जैसे खेत की सिंचाई कर रहे थे धान लगाने के लिए, पहले से कहीं कोई मामला तो नहीं था किसी से, कोई विवाद या कोई रंजिश? नहीं नहीं, और क्यों करना था। आपको पता कब चले कि आपके भाई को गोली लग गई? 12 बजे। 12 बजे, एक घंटा बाद, यानी 11 बजे के आसपास में जो है। किस कैसे आपको पता चला? कोई आके घर पे बताया या बाई फोन? नहीं, फोन से पता लगा। फोन से। पुलिस शासन द्वारा आपके यहाँ घटनास्थल मुआयना किया गया है? खाली सौ नंबर आए। अच्छा अच्छा, उसके बाद कौन कौन से लोग आए आपके यहाँ? उसके बाद पूछा कितनी गाड़ी आ रही, कौन कहाँ लायक ना है। पुलिस प्रशासन एकदम आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये चाहे थे कातिल पकड़ जाए, पर गए वहाँ पे। जब वहाँ जाने के बाद आपने क्या देखा? वहाँ जाने के बाद में रोड पे जब हम गए हैं, पहले तो टार्च दूर से मारे खेत में, जब कोई नहीं दिखाई दिया जी, तो हम फिर रोड पे निकले। रोड पे जब मोड़ पे गए तो वहाँ से टार्च मारे तो देख रहा हूँ कि एक विजय कुमार के, एक हमारे पिताजी के लाश दूर दूर पड़ी, एक मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है। मोटरसाइकिल किसकी थी? अब मोटरसाइकिल वो विजय कुमार की थी। अच्छा अच्छा, उसी से गए थे वहाँ। अच्छा, जब आप वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं तो आपने देखा कि दो लोग, आपके पिताजी और विजय की, जो वहाँ पर मृतक अवस्था में लाश पड़ी हुई थी, तो उस समय आपने क्या किया? मौके पर किसको सूचना दिया? मौके पर हमने कानून जाकर, पहले तो हमें थोड़ा सा होपलेस हो गए, लेकिन फिर अपने आप को संभाला हमने जी। तुरंत हमने 100 नंबर को डायल किया, फोन किया, इसके बाद 100 नंबर आई, फिर इसके बाद आगे एसओ साहब आए और बाकी अधिकारी लोग वहाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए आप, क्या आपके परिवार से किसी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई हमारे परिवार से कैसे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और ना किसी से कोई वही था, लेकिन अगर पुरानी रंजिश रही होती तो मान लीजिए हमारे पिताजी शाम को गए, ऐसे कोई बात ही नहीं थी किसी से भी, नहीं कोई बात थी। सूत्रों के हवाले से एक सूचना निकल के आ रही है कि घटना घटित होने से लगभग आधे घंटे पहले या पौने घंटे पहले कुछ वहाँ लोग मौजूद थे, इसके बारे में आपकी जानकारी है? अब मौजूद थे, अब इसके बारे में हमें मौजूद के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन हम भी सुन रहे कौन कौन था, लेकिन ये मुझे नहीं पता, ना हमने वहाँ देखा। वहाँ गए तब केवल हमारे वही पिताजी और वो दोनों की लाश थी। अब कौन था कौन नहीं था जब हम देखे नहीं, तब हम कैसे किसको बताए कौन था कौन नहीं? जैसे आपके पिताजी इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई है, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही मांगते हैं कि जहाँ भी हो, जो भी हत्यारा हो, उसे कहीं से भी
ढूंढ के कहीं भी आसमान से पताल से कहीं भी ढूंढ के लाए। अब हमारी घरवाली दोनों अपाहिज है, हमें साफ चाहिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, केवल हमारे पिताजी थे हमें देखने वाला। आज वो भी दुनिया से छोड़ के चले गए। हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो योगी सरकार से हाथ जोड़ के मिलती है, जहाँ कहीं भी उनको ढूंढ कर निकाले। हमें पूरे विश्वास है योगी सरकार हमारी मदद करेंगे, हमारी मदद करिए। अब देखना यह है कि योगी सरकार अज्ञात बदमाशों को ढूंढने में कामयाब होती है कि नहीं होती है। देखता हूं कि बाबा जी का बुलडोजर उन अज्ञात बदमाशों के ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बने रहिएगा केमास न्यूज के साथ।